हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का हमारा क्वेश्चन है। आइए एक बार क्वेश्चन का गिवन पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो क्वेश्चन जी देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि हम लोगों ने, एक कंपनी है पी लिमिटेड ने, इश्यू किए हैं 6012% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। ठीक है, तो कंपनी ने डिबेंचर्स इश्यू किए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना डेट्स नहीं दे रखी, तो बिगिनिंग माना जा रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस तरह बातें चल रही हैं। तो ये वाई जीरो है ना, ये बिगिनिंग ऑफ ईयर वन है। ठीक है, यहां पे ईयर वन एंड हो गया, यहां पे ईयर टू एंड हो गया, यहां पे ईयर थ्री एंड हुआ, और वाई फोर यानी ईयर फोर एंड हो गया। ठीक है, चलिए तो मैं और भी तरीके से बता देता हूं। ये हमारा ईयर वन है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है, ये हमारे पास सेकेंड ईयर है, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड ईयर है, ठीक है जी, और ये फोर्थ ईयर है। ये टाइमलाइन आपको काम आएगी, अभी मैंने टाइमलाइन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाई है। देखिए, अब क्वेश्चन ने कहा कि हमने आज 6100 रुपए वाले डिबेंचर इशू कर दिए, यानी कि आपने 6 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए, मैंने इसलिए प्लस में लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, शो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इन बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, केवल ये बताना है कि ये जो डिबेंचर्स हैं, ये इनका जो डिस्काउंट का अकाउंट, वो हमें बताना है। शो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, अगले 4 सालों के लिए इस अकाउंट को बना के दिखाना है। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन कहता है ये जो हमने 6 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए, इनमें से 4 लाख रुपए के डिबेंचर ईयर एंड थ्री यानी थर्ड ईयर के एंड पर, इसे मैं कह सकता हूं थर्ड ईयर एंड पर, ठीक है ना, ये आपने रिडीम कर दिया, इसलिए मैंने माइनस में लिखा। अच्छा, तो मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक इस साल भी मेरी कैपिटल कितनी है, इस सॉरी कैपिटल कह रहा हूं, मैंने कितना पैसा यूज किया, 6 लाख यूज किया। इस साल भी मैंने कितना पैसा यूज किया डिबेंचर्स का, 6 लाख मैंने, यानी कंपनी ने। इस साल भी मैंने कितना यूज किया, 6 लाख रुपीज यूज किया। ठीक है, चलिए यहां मैंने 4 लाख रुपए पे कर दिए डिवेंचर होल्डर्स को, तो आप कह सकते हैं इस साल मैंने कितना पैसा यूज किया होगा इनका, भाई 6 लाख में से 4 वापस कर दिए, तो इस साल मैंने 2 लाख रुपीज यूज किए हैं, 2 लाख रुपीज। चलिए, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन ने बताया, इन्फॉर्मेशन बताई। ठीक है, चलिए अब हमें पता है, अगर डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की बात होगी, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट बना के दिखाना है। तो डिस्काउंट अकाउंट में क्या होता है, डिस्काउंट आपने पहले तो उनको दिया डिबेंचर होल्डर्स को, वो नुकसान हुआ, उसके बाद इस नुकसान को आप धीरे धीरे ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, या आप कहते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिबेंचर, आप उसे राइट ऑफ करते हैं एज पर द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग की रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है। तो वही क्वेश्चन है, आइए इसके सॉल्यूशन पर आए। ठीक है, चलिए, तो केवल इसने डिबेंचर अकाउंट मांगा है, नहीं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट मांगा है, बट हमें कुछ वर्किंग बनाने के पड़ेंगे। पहला वर्किंग है, आइए जी, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये हम, ओह सॉरी सॉरी, मैं अकाउंट पर चला गया। ठीक है, चलिए, तो पहले तो हम देखें जो डिबेंचर इश्यू है उस पर डिस्काउंट कितना दिया गया। देखिए, आपकी जो फेस वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट रेट, ठीक है, आपके पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो देखो, फेस वैल्यू कितनी है हमारे डिबेंचर्स की, 6 लाख रुपीज की, 6 लाख पर डिस्काउंट का रेट क्या है, 6%, यानी कि कितना आ गया, ₹36,000। चलिए, तो 36,000 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है। अब बात करें इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कैसे करना है यूजफुल लाइफ में, यानी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने हैं हर साल उसकी रेशियो में। तो उसके लिए अगला वर्किंग नोट बनाएं, ये पहला वर्किंग नोट हो गया। आइए दूसरा वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर, या एवरी ईयर आप कह सकते हैं, हर साल कितना अमाउंट आप राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर का, इस पर आते हैं। ये देखिए जी, आपका ये ईयर वन है, ईयर वन मैंने लिखा नहीं, एक मिनट में लिख दू, पहले मैं, मुझे कॉलम बनाने, मैं कॉलम बना देता हूं। देखो, पहला कॉलम बना रहा हूं मैं ईयर एंडिंग,
यानी कौन सा ईयर एंडिंग है जिसमें अमाउंट आएगा उसका, यहाँ पे आएगा अगला कॉलम है हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग का, और फिर हम एक कॉलम बना लेते हैं रेशियो, यानी कि जो रेशियो निकालेंगे आउटस्टैंडिंग अमाउंट से, और फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो कि राइट ऑफ होगा, टू बी रिटर्न ऑफ। ठीक है, आइए तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई हैं, ये लीजिए। तो देखिए पहला फर्स्ट ईयर एंड, ठीक है फर्स्ट ईयर आप कह सकते हैं इसे, फर्स्ट ईयर हमें देखना है, उसके बाद हमें सेकंड ईयर के लिए देखना है, और थर्ड ईयर में कितना करेंगे आप और फोर्थ ईयर में कितना करेंगे आप। ठीक है चलिए, तो अब अगर अमाउंट की बात करें तो हमारे पास 6 लाख रुपए थे पहले साल भी, दूसरे साल भी 6 लाख हैं, तीसरे 6 लाख भी 6 लाख रुपए हैं यूज करने के लिए, है ना। इसके बाद ये तीसरे साल भी आ गए, और इसके बाद आपने तीसरे साल के एंड पे 4 लाख वापस कर दिए। देखो क्वेश्चन ने कहा तीसरे साल के एंड पे 4 लाख वापस कर दिए, तो चौथे साल के लिए आपके पास यूज करने के लिए कितना है, आपके पास है 2 लाख रुपीज। ठीक है चलिए, अब रेशियो निकालें, कॉमन रेशियो यहां पे 2 है, तो 2 की कॉमन रेशियो लें तो 2:1, ये 3, ये भी 3 और ये भी 3। चलिए तो टोटल हमारे पास रेशियोज आ गई 3, 9, 10। आ जी चलिए 10 हिस्से कर लिए, 3 हिस्से पहले साल में, 3 हिस्से दूसरे साल में, 3 हिस्से तीसरे साल में, और आखिरी एक हिस्सा चौथे साल में, ये राइट ऑफ होना इस रेशियो में। तो आइए जी अमाउंट निकालें, 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 36,000। चलिए तो मुझे बताइए जरा 3600 गुना में 3 हिस्से ना, एक हिस्सा कितना आएगा 3600, 3600 गुना में 3 करो, मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, कितना 10,800, 10,800 यहां पर भी यही अमाउंट आएगा, पर चलो लिख देते हैं 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 36,000, 10,800। थर्ड ईयर में भी 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 36,000, 10,800। ठीक है आइए आखिरी साल में कितना होगा, 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 36,000 यानी कि 3,600। चलिए अब इन सबका टोटल कितना आना चाहिए, इन सबका टोटल आना चाहिए 36,000 रुपीज। ठीक है चलिए तो यहां का काम हो गया, अब इसके बाद क्या करें जी, जो मेन पार्ट था क्वेश्चन का, क्योंकि ये तो हेल्प करेगा हमें इस अमाउंट्स में, हमें वहां पर चलते हैं जो कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना के दिखाना था ना क्वेश्चन में। आइए तो यहां चलें, इस अकाउंट का ये फॉर्मेट बना रखा है हम लोगों ने, आइए इसको यूज कर लेते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है चलिए आइए मेरे साथ, हमारे पास डेट आ गई पहले, एक या डेट नहीं, मैं बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर कहूं तो Y1 Y0 लिख लूं क्या, मैं Y0 के हिसाब से करता हूं, ये Y0 यानी कि बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर है। टू, अच्छा डिबेंचर का रेट बताओ 12% है, 2 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स के कारण हमने डिस्काउंट दिया जब इन्हें इश्यू किया, और अमाउंट कितना था 36,000 जो हमने पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया। उसके बाद इस साल के अंत में, इस साल के अंत को मैं क्या बोलता हूँ Y1, ठीक है यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इस अमाउंट को SPL यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करें। ठीक है कितना आ गया 10,800। इसके बाद यहाँ हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा आज के दिन ही, बाय बैलेंस कैरी डाउन, चलो 36,000 में से 10,800 हटाओ कितना आएगा 25,200 रुपए, ये लीजिए जी क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इस साल को क्लोज करें, ये लीजिए 36,000 और यहां भी 36,000 आ गया हमारे पास। ठीक है इसके बाद आगे चलें, Y1 के बाद अगला साल का बिगनिंग Y1 कह सकते हैं आप, क्योंकि ओपनिंग डेट और क्लोजिंग में ज्यादा अंतर नहीं होता, एक दिन का ही अंतर होता है, तो Y1 क्लोजिंग था तो अगले दिन Y1 ही ओपनिंग बना। ठीक है सेकंड ईयर की बिगनिंग हो चुकी है आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है हमारे पास आ गया 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना जी 25,200, और Y1 अगर ओपनिंग है सेकंड ईयर का तो Y2 क्या हो गया जी क्लोजिंग है सेकंड ईयर का। आइए जी क्लोज करें सेकंड ईयर को बाय, सॉरी पहले तो ट्रांसफर करो PNL में बाय SPL कितना वही 10,800, और क्लोजिंग कितना आ जाएगा बाय बैलेंस
कैरेट डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर है वैसे, ठीक है, ऊपर भी बैलेंसिंग फिगर ही थी। आइए तो मुझे 25,200 में से 10,800 माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है, कितना, 14,400, ठीक है 14,400 बता रहे हैं जी, ताकि इधर भी 25,200 आ जाएगा। अब 25,200 ये लीजिए, 25,200 रुपए आ गया। अब अगले साल का बिगिनिंग क्या होगा, Y2, ठीक है। अगर आपको Y1, Y2, Y0 नहीं समझ में आ रहा तो आप शॉर्टकट ये समझ सकते हैं कि देखो ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, ये क्या है जी, सेकंड ईयर है, ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलें, यहां से अगले साल का ओपनिंग करें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आ गया, 14,400 रुपीज, ठीक है। उसके बाद बाय, अब Y2 ओपनिंग है तो Y3, ठीक है ना, थर्ड ईयर का एंड हो गया, ठीक है, बाय नहीं पहले, सॉरी मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूं, पहले जो अमाउंट राइट ऑफ करना है वो पीएनएल में डालें, यानी एसपीएल, क्योंकि कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे इसको। आइए 10,800 रुपीज, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, क्लोजिंग बैलेंस निकालें, क्लोजिंग कितना आना चाहिए, 14,000 नहीं, टोटल 14,400 है और ये 10,800 है, तो 14,400 कितना लिखें जी, मैं नहीं, कितना लिखें कि ये टोटल 14,400 बन जाए, यहाँ पे डिफरेंस निकालो, बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना है, 3,600, ठीक है। अच्छा, Y3 यानी सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, थर्ड ईयर का ओपनिंग करें, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर, अच्छा थर्ड ईयर क्लोज हो गया, फोर्थ ईयर का ओपनिंग किया Y3 से मैंने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 3,600, ये फोर्थ ईयर का ओपनिंग, और यहां पे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, Y1, Y2, Y3, Y4, क्योंकि टोटल 4 साल बनने चाहिए, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है जी, तो थर्ड ईयर का ओपनिंग हो गया था, यहां पे क्लोजिंग हो गई, क्लोजिंग में पहले क्या होगा, ये Y4 लिख दूं वैसे इसको मैं, क्लोजिंग को यहां पे आना चाहिए, कितना अमाउंट राइट ऑफ किया फोर्थ ईयर में बताओ, 3,600 है, तो 3,600 पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, एसपीएल में, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 3,600, ठीक है। चलिए तो इसके साथ हमारा ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे चलेंगे, 3,600 रुपीज, ठीक है जी। मैं ये भी लिख देता हूं, ये जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था, ये Y3 है, नहीं Y3 नहीं, मुझे थर्ड ईयर लिखना चाहिए ताकि आप क्लियर कर पाए, थर्ड ईयर है ये, और ये क्या है, ये फोर्थ ईयर है। चलिए डन है, इसे एक बार ये लो, पूरी स्क्रीन आप लोगों के सामने है, ठीक है, मैं जो वर्किंग नोट बनाया वो भी दिखाने हैं, एक मिनट वर्किंग नोट भी दिखा देता हूं दोबारा से। यहां देखो पहले तो, अच्छा टाइमलाइन कोशिश किया करो बना लो, उससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है चीजों में, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बगैर इसके भी कर लेना, बट मैं, मुझे पसंद है ये चीज तो मैं कर लेता हूं, इससे बच्चे को ना कई बार नई बात समझ में आ रही है तो क्लिक कर जाती है। अच्छा तो पहला वर्किंग नोट आपके सामने है और फिर ये दूसरा वर्किंग नोट, दोनों ही वर्किंग नोट एक ही स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके,